तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को बता दें कि हमारे नए वीडियो में आपके जो उत्तराखंड में है उसका दूसरा पार्ट है। ये दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से वेलकम अगेन। आप सभी को बता दें अभी हम लोग हैं आपके टनकपुर बैराज में। टनकपुर बैराज जस्ट आप ये देख सकते हैं, आपको बता दें ये टनकपुर बैराज है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सी नदी यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा निर्मल जल। और आपको बता दें कि ये दूसरा पार्ट है हमारे उत्तराखंड का। और उत्तराखंड में आपको बता दें कि ये जो टनकपुर बैराज है ये आपके नेपाल से 500 मीटर दूर पर है। इसी के साथ आपको बता दें ऐसे ही पूरे वीडियो में एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये टनकपुर बैराज का जो शारदा नदी है, शारदा नदी के हम लोग किनारे हैं। ये शारदा नदी आपके उत्तराखंड में टनकपुर में है। और आपको बता दें जस्ट उस तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो नेपाल का है, और इस तरफ का एरिया आपका उत्तराखंड का है। आपको बता दें जो उस तरफ आप जाएंगे नेपाल पड़ जाता है, इस तरफ उत्तराखंड, ये बॉर्डर कह सकते हैं हम। ये उस तरफ का बॉर्डर है, इस तरफ भारत, उस तरफ नेपाल। और इस बॉर्डर को जो डिफाइन करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एक बैराज दिख रहा है। ये बैराज है, इसे कहते हैं टनकपुर बैराज। ठीक है, टनकपुर बैराज कहते हैं। उसी के द्वारा हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अभी हम आपको कंप्लीट दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बैराज है। और इसी बैराज के द्वारा आपको बता दें कि यहाँ पे बॉर्डर डिसाइड किया जाता है नेपाल और भारत का। तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि आपका उत्तराखंड पहाड़ों के मामले में फेमस है। और इस शारदा नदी के अंदर आपको बता दें इतने सारे पत्थर हैं, हो सकता है आपको विजिबल हो पाए थोड़ा बहुत। और ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं पीछे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो कि चारों तरफ आप देख सकते हैं। आप सभी को बता दें कि देखिए यहाँ पे भैया नहा रहे हैं, बच्चे दो नहा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं यहाँ पे नहाकर कैसा लग रहा है शारदा नदी के अंदर। कैसा लग रहा है शारदा नदी के अंदर नहाकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, बार बार अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे नहा के थोड़ा बहुत बढ़िया। हाँ, दर्शकों को बताइए। पानी, चिल पानी, मजा आ गया। माइंड ब्लोइंग माइंड एकदम फ्रेश हो गया, बिल्कुल सारी थकावट दूर 3 दिन की। तो जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें कि अगर आप उत्तराखंड आते हैं तो 2 किलोमीटर दूर आपके टनकपुर स्टेशन से है ये आपका शारदा नदी घाट। यहाँ आकर आप इंजॉय कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। बहुत ही निर्मल जल है, बहुत ही साफ सुथरा जल है। आपको बता दें अभी हमारे साथ एक बच्चा और जुड़ गया है, प्रगति। प्रगति बताएंगे कैसा लग रहा है यहाँ पे नहाने के बाद? कैसा लग रहा है नहा कर? अच्छा लग रहा है। पानी ठंडा है कि नॉर्मल है? अच्छा। पानी ठंडा है, गर्म है? ठंडा। ठंडा है, ठंडी नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। ऐसी नदी आज भी मौजूद है जहाँ पे हम लोग नहीं रोज तो आ सकते हैं, लेकिन 6 महीने में 1-2 बार तो आ ही सकते हैं। और हम अपने परिवार समेत आए हैं, देखिए हमारे सारे फैमिली मेंबर सब आ रहे हैं। और आइए आप एंजॉय करिए सबके साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय माता। तो जैसा कि साथियों आपने कंप्लीट वीडियो देखा, माँ पूर्णिया जो देवी का मंदिर था वहाँ से लेकर यहाँ टनकपुर बैराज तक जो कि नेपाल का बॉर्डर है, 500 मीटर पहले यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत जैसा कि आपने नदी देखा। और आपको बता दें कि ये वीडियो यहीं पे हम लोग कर रहे हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।